आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर की मॉम आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके पी डी एफ में रोल नंबर नहीं आया है लास्ट ओके यू पी एस सी वाला प्ले विद मी लेट्स प्ले अगर यू पी एस सी ने मुझे नहीं लिया देयर लॉस नॉट माइंड मैं पढ़ती थी फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था थोड़ा सा रोना आ जाता था जाके मुंह धो के आती थी फिर से पढ़ती थी फिर रोना आता था ये साइकिल चलती रही पाँच दिन तक आपको हवा में चढ़ा दिया जाएगा हर जगह से इतनी अटेंशन मिलेगी कि आपको लगेगा आप पता नहीं क्या हो आप कुछ नहीं हो आप जो सिलेक्शन से पहले थे आप आज भी वही हो यू आर नथिंग छः अटेम्प्ट मिलते हैं छह में से एक बार तो चलेगा ना लक ऐसा तो है नहीं कि छः के छह में आपकी किस्मत खराब रहेगी टुडे इज डिफिकल्ट टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट डे आफ्टर टुमारो इज अ ब्लेसिंग मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग दिस इज़ द कोर्ट विच आई हैड रिटन ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ माई प्लानिंग नोटबुक और पूरी जर्नी में जब जब लो फेज़ आया जब लगा ओवरवेलमिंग है जैसे कोर्ट कहता है कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट टमोरो विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट और जब हिम्मत चाहिए होती थी टुडे और टुमारो को सर्वाइव करने की आई यूज़ टू कम बैक टू दिस कोर्ट हाई दिस इज़ आरूषी शर्मा आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फोर जीरो टू इन सिविल सर्विस ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई एम ऑल्सो अ probationer इन आई आई एस इंडियन through सर्विस थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो आज जो स्टॉक्स के मीडियम से आज मेरी ये थोड़ी लंबी सी जर्नी देखेंगे जो चार अटैम्प्ट और पाँच साल की रही और इसके थ्रू मैं क्या चाहती हूँ कि आप दो चीज़ें देखो फर्स्ट कि जो स्क्रीन के दूसरी तरफ इंसान होता है उसकी सिचुएशन भी एग्जैक्ट आपके जैसी रही होती है सो so, आप जिस सिचुएशन में हो उसी में हम भी रहे हैं तो पहली चीज़ कंफर्ट दैट सेम सिचुएशन है सेकंड हाउ आई डेल्ट विद इट एंड वेदर यू कैन टेक सम हेल्प ऑफ गेटिंग थ्रू योर सिचुएशंस एंड अगर मतलब आप अपनी सिचुएशन में रिलेट करके यहाँ से कुछ लर्निंग ले पाओ सो दैट विल बी ग्रेट सो स्टार्ट फ्रॉम माई जर्नी लेट्स फ्रॉम द स्टार्ट सो जब फोर्थ ईयर मेरे इंजीनियरिंग करी है मैंने सो so उसके फोर्थ ईयर के जब शुरू में ये डिसीजन लेना था कि आगे करना क्या है करियर में सो so बहुत सारे ऑप्शंस थे प्लेसमेंट सेशन शुरू होने वाला था उस टाइम पे मेरे फादर ने थोड़ा सा मुझे पुश करा कि सिविल सर्विसेज देखो एंड द फनी पार्ट इज़ आई वाज हेल्प बेंट कि कुछ भी करेंगे ये नहीं करेंगे बट फिर कुछ चीज़ें हुई थोड़ा मेच्योरिटी आई कि वॉट आई वॉन्ट आउट ऑफ माई लाइफ आफ्टर थर्टी फोर्टी ईयर्स जब मैं मेरा एक बेसिक विजन था कि वैन आई एम सिक्सटी और सेवनटी सिटिंग इन अ कम्फर्टेबल चेयर एंड आई लुक बैक तो कुछ सेटिस्फाइंग रहे ऐसा रहे कि जो अपनी ये इतनी लंबी ज़िंदगी जी है ये सिर्फ मेरे तक या मेरे परिवार तक सीमित नहीं रही है इम्पैक्ट थोड़ा लार्जर रहा अब मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को सिविल सर्विस सिविल सर्विसेज जो एक प्लेटफॉर्म था वो सूटेबल लगा सो दिस वाज हाउ आई टुक दिस डिसीजन विच वाज बेस्ड कम्प्लीटली ऑन माय ओन चॉइस इसके बाद मैंने तैयारी थोड़ी सी शुरू करी अपने फोर्थ ईयर में ऑल तो बहुत पढ़ाई नहीं करी तब फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर पर रह के uh, जो एक बिल्कुल रिगरस एस्परेंट वाली लाइफ होती है वो शुरू हुई अब शुरू में देखिए क्या होता है कि हमारे कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो अपनी जॉब में चले जाते हैं और हमारी लाइफ एकदम स्टक हो जाती है उनके यहाँ रोज़ हर वीकेंड पे पार्टी चल रही होती है और हमें वहाँ से फोमो हो रहा होता है सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी प्रिपरेशन में वो यही आई थी फ़ोमो होने लगा था लगा था कि कहाँ आ गए क्या ये डिसीजन गलत तो नहीं है तो अब इस सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मुझे जो सोल्यूशन मिला था सोशल मीडिया हटा दो

तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं विच आई नाउ फाइंड ए लॉजिकल वो मैंने तब कमिट करी आ, एक जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने शिद्दत से नहीं करा जितना करना चाहिए था सो so, अब यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ जाने में दिक्कत आई और फिर ये रिविजन नहीं करा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं करे तो इस सब का फिर रिजल्ट और थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक वॉज ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छे अकेडमिक बैकग्राउंड uh, से आती हूँ सो प्रिलिम्स तो क्वालिफायर स्टेज है हो ही जाएगा मेरा नहीं होगा तो किसका होगा और मेरा प्रिलिम्स फेल हुआ जो पहले अटैम्प्ट का था 2019 सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिलिम्स सात नंबर से फेल हुआ था सो नॉट ऑन द बाउंड्री इट वाज क्वाइट सम फेलियर एंड दिस वाज सच अ सेटबैक ना मुझे उम्मीद थी फेल होएगा ना मेरे पेरेंट्स को उम्मीद थी फेल होगा एक हफ्ते तक आई वाज जस्ट क्राइंग आई वॉज जस्ट रैंडमली बर्स्टिंग इन टू टीयर्स और मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है एक वो ट्वेल्थ में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे संभालें कैसे अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या रही कि इस टाइम पे फर्स्ट प्रलिम्स फेल होने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आई वॉज़ फेलिंग एंड इफ़ यू नो ऑवर आई मीन पर्सनल लाइफ में आई वॉज फेलिंग दो फेलियर्स एक साथ इट वॉज सच अ डिप्रेसिंग टाइम प्रिलिम्स के फेल से प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो रहे थे सेकेंड वो एक आइसोलेशन में आने के बाद दोस्त सारे थोड़ा डिस्टेंस हो गए थे सेकेंड रिलेशनशिप फेलियर सो एक पर्सनल लाइफ में भी फेलियर फेस हो रहा था अब ये दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर हुआ सो इट स्पायरल्ड मी डाउन इन टू सच अ डार्क होल जहाँ से मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊंगी आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मॉम आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके एंड इस टाइम पे जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है पीपल हु अनकंडीशनली लव यू डिस्पाइट योर डिस्पाइट योर ड्रॉबैक्स डिस्पाइट योर फॉल्ट्स वो बहुत ज़रूरी हो जाता है तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ तीन लोगों की वजह से जिन्होंने उस एक एक साल के डार्क टाइम में मुझे सपोर्ट करा मैं मॉम एंड माय फ्रेंड्स अपूर्वा एंड मेजर शान सो इन तीन लोगों के रोज़ वो लंबे लंबे फ़ोन कॉल कि नहीं ठीक हो जाएगा सब पढ़ाई करनी है हिम्मत रखनी है उस सबसे मुझे बहुत महीने लगे इन दो फेलियर्स से निकलने में बट थैंकफुली आई डिड एक और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी कि वैन टाइम्स गेट सुपर हार्ड वैन इट्स नॉट वैन इट्स नॉट इट डज़ नॉट सीम पॉसिबल टू गेट बेटर जस्ट सर्वाइव जस्ट ब्रीद और कुछ नहीं करना जस्ट सर्वाइव दैट टाइम निकल जाएगा वो सो ऐसे ही मेरा भी टाइम निकल गया आई गॉट बेटर उसके बाद क्योंकि कुछ टाइम तो इस सब में वेस्ट हुआ मेरा उसके बाद मैंने पढ़ाई करी और बहुत पढ़ाई करी बट अब आते हैं फिल्म 2020 पे जो मेरा दो नंबर से फेल हुआ अब देखिए इस साल में जो मैंने प्रोग्रेस करी उसका एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन रहेगा दैट हाउ आई डेल्ट विद दिस सेकेंड फेलियर जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेलियर के बाद आई क्राइड फॉर अ वीक सेकेंड फिल्मस का जब रिजल्ट आया सो आई डिस्टिंगटिवली रिमेंबर आई वॉज सेटिंग माई फादर वॉज सेटिंग एंड माई ब्रदर वॉज सेटिंग एंड पी डी एफ में रोल नंबर नहीं आया आई लाफ आई लाव्ड इन देंस ओके यू पी एस वन प्ले विद मी लेट्स प्ले अगले साल दिखा दूंगी सो दिस वॉज द चेंज which was in which was in my perspective to take this exam to towards life towards attempts. So देखिए उस time पे realize नहीं हुआ था कि ये एक progress हो गई है। अब मैं वापस देखती हूँ तो मतलब this was quite some progress. So यहाँ से अब शुरू हुआ मेरी preparation का golden phase as I called it। क्योंकि अब जो मैंने third attempt दिया, जो ये 2021 का attempt, so starting from 2020 uh, May और June, एक साल का time इस टाइम में मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करा लिटरली कुछ नहीं अपने रूम की दीवारी में सिर्फ पढ़ाई करी है, अपने घर वालों से इंटरेक्ट कराए एंड ट्रस्ट मी दिस हैज़ बीन happiest टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन वो एक ट्रांस का फेज़ जहाँ पे मतलब आप उठते हो आपके दिमाग में सिर्फ डेली टारगेट्स हैं आप उन्हें पूरा करते हो टिक मार के डोपो लेते हो और आगे बढ़ते हो दैट्स इट अब ये सुन के ये नहीं है कि ये बिल्कुल ईजी रहा बिल्कुल ईजी नहीं रहा यहाँ पर भी इस साल में भी हर हफ्ते डाउट्स आए कि नहीं हो पाएगा टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं या यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑल दो सोशल मीडिया नहीं था फिर भी थोड़ा सा कि यार लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे को तीन साल हो गए हैं यहीं पे मैं वही लक्ष्मीकांत दसवीं बार उठा रही हूँ सो <laughs> so, अब देखो इससे आगे कैसे निकलना था पहली चीज़ तो ये फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है इसे रेंट आउट कर दो आपके पास आस जो भी है उसके सामने ये सारी फ़्रस्ट्रेशन निकाल दो मेरे केस में मैं मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर करती थी और ही हैज़ बीन सच आ सपोर्ट वो मेरे से दस साल छोटा है बट उसने बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करा है उसको ये सब कुछ पता है यू के निक्स एंड मैक्स और कि लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है या स्पेक्ट्रम के फॉन्ट छोटे हैं कौन से टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते हैं ये सब उसके सामने आई यूज़ टू रंट ऑल ऑफ दिस एंड ही पेशेंटली जस्ट लिसन कोई एडवाइस नहीं दे रहा है वो मेरे को बस सुन रहा है और ऐसी ही मेरी मम्मी और देखिए यहाँ पे ना अब थोड़ा सा डाइ मतलब दूसरी तरफ जाते हैं बट इम्पॉर्टेंट है ये लेसन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है ये पेरेंट्स और फैमिली के लिए जब वो बच्चा पढ़ रहा है ना तो वो जिस चीज़ से गुजर रहा है आप भले ही उसे कितना ही प्यार करो आप एक्जैक्टली exactly समझ नहीं पाओगे कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है सो so उस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि बस सपोर्ट करो उसे जो एस्पिरेंट है जो आपका भाई बहन है या बच्चा है उसको सिर्फ सपोर्ट करना है उसे वो हेल्दी एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे उसकी ज़िंदगी में जो टेंशन है वो यूपीएससी तक ही सीमित रहे क्योंकि वो तो इनवेटेबल है उसके अलावा बाकी प्रेशर्स ना आए तो यहाँ पे आई रिम्बर सिलेक्शन के बाद माय मदर टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नहीं बताई थी बाहर का प्रेशर किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया वो बोल दिया दुनिया भर के प्रेशर होते हैं जैसे अब डी आते हैं लड़कियों की कि, कि शादी का प्रेशर आ रहा है तो ये ये जो सारा प्रेशर्स या कंप्लेंट्स या टोंट्स होते हैं मेरे कानों तक तो का आए ही नहीं कभी प्रिपरेशन स्टेज में सो आई वॉज लकी इनफ कि माई पेरेंट्स वर सच यू नो सच एंजल्स सो दिस इज़ द एडवाइस दैट आई विल गिव टू पेरेंट्स कि प्लीज़ मेक श्योर योर चाइल्ड गेट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट नाउ कमिंग बैक टू इट कि फ्रस्ट्रेशन निकालना ज़रूरी होता है एंड इट्स एब्सल्यूटली नॉर्मल सेकेंड अब जब यहाँ पे आप बिल्कुल उस ट्रांस वाली पढ़ाई में होते हो और स्टिल लो फेज आ रहे हैं तो अपने आप से सिर्फ इतना कम्पीट करना है कि इस टेस्ट में नब्बे आए हैं अगले में नाइन्टी वन आएगा छोटा छोटा प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं कि एक सौ पचास सीधे छोटा था नाइन्टी वन आएगा नेक्स्ट में नाइन्टी टू आएगा यूज़ दीज टूल्स कि ऐप में एक ऐप यूज़ करती थी पढ़ाई का स्टडी टाइम रिकॉर्ड करने के लिए वाई नाम का सो so, उसे यूज़ करो फिर अपना वही छोटा सा प्रोग्रेस करना है एक्सेल शीट में फिल्मस के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसको रिकॉर्ड करो अलग अलग तरीके से कि फ़र्स्ट हाइट्रेशन में कितना एक्यूरेसी रही सेकंड में कितनी एक्यूरेसी रही राइट right. तो ये सारी चीजें यूज करते हुए छोटा छोटा प्रोग्रेस अपने आप से कम्पीट पूरे पांच लाख लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ अपने आप से या वाले अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं तो अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो गलतियां गिनवाई थी ओवर कॉन्फिडेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करना और रिविजन उतनी ना करना अब सेकेंड अटेम्प्ट में जब दो नंबर से रहा था तो भी कहीं ना कहीं बस एक वो प्रीवियस ईयर और रिविजन की कमी रही अब थर्ड अटेम्प्ट में आई स्टार्टिंग सो so, प्रिलिम्स क्योंकि दो बार फेल हो चुका है तो प्रेशर है प्रिलिम्स क्लियर करने का बट थैंकफुली यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि मेंस को नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार प्री तो हो गया फिर मेंस नहीं हुआ सो so, हमको हर स्टेज पे फेल होते हुए आगे नहीं बढ़ना है एक बार ही में कोशिश करनी है तीनों स्टेज निकले सो so, मेन्स की तैयारी भी शुरू करनी है प्री के साथ साथ ही uh, उसके बाद प्रिलिम्स के कुछ महीने पहले दो तीन महीने पहले प्योरली प्रिलिम्स फोकस में आप चले जाओ और अब देखिए ये जो दो तीन महीने आते हैं प्रिलिम्स से भी पहले और प्रलिम्स और मेन्स के बीच में ये टाइम एब्सोल्यूट जीरो डिस्ट्रैक्शन का होना चाहिए यहाँ पे देयर शुड बी नो एक्सक्यूज आपको कॉन्शियसली चीज़ें हटानी है डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं अपना जो जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि स्टडी टेबल पे बैठ तो रहे हैं पर मन भटक रहा है तो उसे कैसे ठीक करें अब देखो अगर आपको ये रियलाइजेशन है भटक रहा है तो उसी मोमेंट पर ले आओ वापस उसी मोमेंट पर ऐसे मतलब कि कम बैक कॉन्सेंट्रेशन में वापस आ जाओ तो ये चीज़ करनी है तो ये दो तीन महीने प्रिलिम्स से पहले और प्री और मेंस के बीच में नो no एक्सक्यूजेस ये छः महीने की तपस्या बहुत तगड़ी है और चाहिए अब देखिए इस बार भी मेरा फिर से तीसरे अटम में प्रिलिम्स बाउंड्री पर ही क्लियर हुआ और थैंकफुली क्लियर हो गया इसके बाद फिर मेन्स की प्रिपरेशन में अब पहली बार मेन्स लिख रहे थे तो फिर से कुछ नहीं पता था गाइडेंस उतनी नहीं थी Uh, अब यहाँ पे थैंकफुली यूट्यूब पे अब आजकल टॉपर वीडियोस बहुत सारी हैं जैसे जोश के प्लेटफॉर्म में पूरा जर्नी हो गई बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रैटेजीज हो गई तो इन सारे फ्री वीडियोस को यूज़ करके आप वो जो है गैप होता है गाइडेंस ना होने का उसे भर सकते हैं काफ़ी हद तक सो देखिए जब जैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ या जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन की बात आती है ना ये सब तब चाहिए होता है जब हम लो पे होते हैं जब हम हाई पे हैं तो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है वो फिर ऑटोमेटिकली चल रहा होता है तो इस लो में आप दूसरों की जर्नी अगर देखते हो जैसे आज मैं यहाँ पे अपनी बता रही हूँ तो जब आप रिलेट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लो फील करती थी और जैसे अब मैं तीसरे अटैम्प्टूँ इसमें स्टोरी में तो मैं उन टॉपर्स की जर्नी देखती थी जो अपने तीसरे अटैम्प्ट या तीसरे में निकाला तो उन्होंने भी दो बार फेलियर झेला है अब अगर वो उससे निकल सकते हैं तो उनकी जैसे मुझे याद है कि एक जोश की वीडियो देखी मैंने जिसमें मैम का फिफ्थ अटैप्ट में हुआ उससे पहले कभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो अब जब वो वो मैम इतना सरवाइव करके और फिर टॉपर बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं इस वाले मेंस में 2022 मेंस में आई स्टडीड विद अ फ्रेंड कप्तान एंड और भी दो तीन लोग थे तो उनके साथ वाईपीटी पे टी करके रोज़ रोज़ का गेम बन गया था कि चलो तुम्हें हराते हैं आज तो वो मेंस तक का प्रेशर ना दिमाग में था ही नहीं सिर्फ आज का था कि आज जीतना दैट्स इट अब देखिए तो ये वाले मैंने अटेम्प्ट में अपना मेंस दिया मेंस के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि क्लियर तो हो जाएगा मेंस क्योंकि सब कंप्लीट करके आई हूँ एक एक क्वेश्चन उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी अब अगेन वही चीज़ की गाइडेंस नहीं है तो फिर से नहीं पता था और स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं पता होता है जिसका पहली बार मेंस निकला होता है कि करना क्या है तो यहाँ पे फिर ना शुरुआत न्यूज़पेपर से करो और सेकेंड चीज़ साथ में रखो कि फिगर आउट करने की कोशिश करो करना क्या इंटरव्यू स्टेज में स्पेशली गाइडेंस ज़रूर लो और इंटरव्यू स्टेज में ना इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि अगर यू ने मुझे नहीं लिया देयर लॉस नॉट माइंड तो इस कॉन्फिडेंस भले ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस कर देता है बट नंबर आ जाते हैं यहाँ से अब अब देखिए जैसे मैंने बताया एक साल से मैं ट्रांस की स्टेज में पढ़ रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस साल तो हो ही जाएगा अगेन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था नाउ थैंकफुली सिर्फ तीन नंबर से छूटा था तो सीनियर्स ने सबने बता दिया था कि रिज़र्व लिस्ट से हो जाएगा सिलेक्शन जो कि हुआ रिज़र्व लिस्ट से ही मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस अलॉट हुआ था बट ये चीज़ उस टाइम इट डज़ नॉट हेल्प उस टाइम द ओनली थिंग इज़ कि कंट्रोल एफ़ प्लस करके मुझे अपना नाम नहीं मिला था एंड द ट्रबल वॉज पाँच दिन बाद प्रस था तो उस टाइम पे फिर से ये पाँच दिन मतलब ये पाँच दिन ऐसे याद है मुझे जैसे आई हैव आई एम स्टिल लिविंग थ्रू दो फाइव डेज आई कैन लिव थ्रू दैम जब भी मैं याद करूँ अब देखिए डेली रूटीन क्या रहता था इन पाँच दिन में उठती थी मेरे पापा थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक देते थे कि होगा इस बार पक्का बहुत अच्छी रैंक आएगी पढ़ ले उसके बाद कप्तान का कॉल आता था कि चल पढ़ने बैठ रहे हैं अब दोनों हम कोऑर्डिनेट करते थे पढ़ाई को कि अब ये पढ़ेंगे ये वाला बुकलेट uh, खत्म करेंगे या ये वाली चीज़ रिवाइज करेंगे सो so, ऐसे कोऑर्डिनेट करके अब मैं पढ़ती थी फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था थोड़ा सा रोना आ जाता था जाके मुँह धोके आती थी फिर से पढ़ती थी फिर रोना आता था ये साइकिल चलती रही पाँच दिन तक नाउ द फनी पार्ट इज़ मेरा पहली बार फिलिम्स पंद्रह बीस नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ अब अब देखो क्यों हुआ ये डिफरेंस क्या आया मैं बाद में अगर एनालाइज़ करूँ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे मैंने उन पाँच दिन में और उसी के बेसिस पे मतलब ऑब्वियसली इतने सालों की वो जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है वो थी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पी वाई क्यू कर जाओ तो हो जाएगा बट उसके ऊपर जो प्रिलिम्स से जस्ट पहले रिफाइन करना होता है अपनी नॉलेज को या अब अब इस प्रिलिम्स के बाद दिस डज़ नॉट अप्लाई बट एलिमिनेशन टेक्निक को सो so वो वहाँ से पी वाई क्यू करके आई मुझे पाँच दिन में अब क्योंकि पता चल गया था कि बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है तो इतनी मोटिवेशन थी कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है फ्रम से आके कैलकुलेट करके कि इससे ये श्योरिटी के साथ कि हो रहा है क्लियर सिर्फ़ एक दिन का ब्रेक लिया कमरे की सफाई करने के लिए और उसके बाद मीन्स की तैयारी शुरू कर दी उस टाइम पे फिर बहुत लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था दोस्त वगैरह का या फेलिसिटेशन चल रहे थे मीटअप्स चल रहे थे उन सबको छोड़ना पड़ा फिर से अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम हर चीज़ से जाना पड़ा और अब अब इस मेंस को एक नए तरीके से एक नए जोश के साथ वापस शुरू करना पड़ा बट करा अब इस वाले मेंस में थैंकफुली आई हैड अ पियर ग्रुप क्योंकि पिछले इंटरव्यू का जो ग्रुप बना था वहाँ से कुछ दोस्त बन गए थे जो पिछले तीन अटेम्प्ट्स में नहीं था दिस वाज द डिफरेंस तो इस मेंस में एक वो पीयर ग्रुप के सपोर्ट के साथ सीनियर से थोड़ा आंसर्स चेक कराए मैंने तो इस सब के साथ मेरे पास एक कॉन्क्रीट uh, प्लान था कि क्या क्या वर्क नहीं करा था और अब क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है यह बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें कि आंसर में इंट्रोडक्शन को इतने लाइन में लिखना है जो मैं आप डाइग्राम बना रहे हैं उसे बॉक्स अप कर देना है बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें इन चीज़ों पे ध्यान दिया इस मेंस में फिर मेंस लिखा अब देखिए जब मैं जी एस वन का पेपर लिख के आई बाहर तो मैंने अपने पापा को बोला कि ये अटेम्प्ट गया आगे के पेपर लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है इतना बुरा हुआ है जी का पेपर मेरे अच्छे नंबर आए हैं जी में सो so, अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि कुछ नहीं पता है इस एग्ज़ाम में इस जर्नी में कि क्या होगा वो जो रिज़ल्ट जो आप पेपर लिखने के बाद का जो चीज़ है वो आपके हाथ में है ही नहीं अब अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि इतना बुरा गया है कि अटेम्प्ट गया और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सो देर इज़ नो लॉजिक इन वॉट यू हैव रिटर्न एंड वॉट यू विल स्कोर सो वो होप कभी मत हारना और सेकेंड प्रेशर भी मत लेना कभी रिजल्ट का क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पे स्कोर करोगे और कहाँ पे नहीं करोगे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और वो पेपर कंप्लीट करके आना है दैट्स इट सो जी एस वन में अच्छा स्कोर आया और जी एस थ्री बहुत अच्छा गया था उसमें बहुत बुरा स्कोर आया दोनों चीज़ें हुई थर्ड एस ए में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कॉन्फिडेंट थी एक्चुअली एस में सबका स्कोर नीचे का हुआ है दैट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई राइट ब्लॉग्स और पिछले एस में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था तो अच्छा ही आएगा इस बार थर्टी मार्क्स का ड्रॉप आया सिर्फ एस की वजह से मतलब रैंक नीचे हुई सो so, अब देखिए इस जर्नी में ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हो और ये अब कंफर्ट कहाँ से आता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है ये सबके साथ हो रहा है ये ऐसे में थर्टी मार्क्स का ड्रॉप मेरे दस में से नौ दोस्तों के साथ हुआ है सबके साथ हो रहा है उसके बाद अब देखिए जैसे बुक्स की बात आई सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इस साल की जब रिजल्ट का जो रिज़ल्ट एंगजाइटी वाला फेज चल रहा था आई रिमेंबर आई पिक ड लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज पूरे तीन बुक्स की बिकॉज आई वॉन्टेड टू एस्केप फ्राम दिस एंगजाइटी सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन डू टेक द हेल्प ऑफ रीडिंग सो अब जो मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू का लिखा यहाँ तक सब ठीक गया उसके बाद एक बहुत ही uh, अच्छा दिन आया लाइफ में देखिए ये सोचा था हमेशा से कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊँगी सलेक्शन के बाद और जिस दिन बनाया थोड़ा सा पेयर प्रेशर में बना लिया था सलेक्शन से पहले ही अब ये डेस्टिनी देखिए जिस दिन बनाया आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था रिजर्व लिस्ट वाला सो बिना पहले कुछ पोस्ट करे मतलब वो भगवान ने सुन ली कि सिलेक्शन वाले दिन ही बनेगा तेरा अकाउंट तो जब रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया मुझे याद है मैंने नीचे जाके मम्मी पापा से एक सेंटेंस बोला मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं रही <laughs> अब देखिए उस टाइम पे जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी थी ना उस मोमेंट में मुझे सिर्फ एक चीज़ रियलाइज हुई कि जितने ये जो साल का स्ट्रगल रहा सब इट था इस मोमेंट के लिए इन दो चेहरों के लिए सब इट था आ, भले ही खुद बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था ऑब्वियसली अपनी सर्विस नहीं मिली थी आ, वो पता था कि स्ट्रगल अब भी बचा है जर्नी अब भी बची है बट एटलीस्ट कुछ मिल गया ये नहीं रहा कि मैं अब तक जो कर रही थी सब वेस्ट था या दूसरों के क्वेश्चंस कि पढ़ भी रही है या नहीं पढ़ रही है हो तो रहा नहीं रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है तो उस दिन पे वो सारी मेहनत वसूल हो गई थी तीन चार साल की अब इस रिज़ल्ट के आने के बाद एक थ्री सिक्सटी डिग्री चेंज आता है उन्हीं रिश्तेदारों में जिनके ताने पहले मेरे कान तक नहीं आते थे एकदम चेंज अब यहाँ पे देखिए आप आप लोगों का आगे जाके सिलेक्शन होगा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है आपको हवा में चढ़ा दिया जाएगा हर जगह से इतनी अटेंशन मिलेगी कि आपको लगेगा आप पता नहीं क्या हो आप कुछ नहीं हो आप जो सिलेक्शन से पहले थे आप आज भी वही हो यू आर नथिंग इस चीज़ को ज़रूरी है कि कोई आपको बताए अगर और कोई नहीं बता रहा तो मैं बता रही हूँ यू आर नथिंग तो वो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है अब इसके बाद क्योंकि मैंने मेंस लिखा हुआ है और अब रिजल्ट आ गया है अब ये टाइम आया मेरे फाइनली ग्रेजुएशन 2018 के बाद जब मैंने थोड़ा सा एंजॉय करा लाइफ में चार साल के बाद मैं पहली ट्रिप पे गई इसके बाद मैं फाइनली फ्री माइंड के साथ थोड़ा मीटअप्स पे दोस्तों से मिलने मिलने जाने लगी चार साल बाद बट फिर ये सब करने के बाद फिर से अब अभी इंटरव्यू की तैयारी बच रही थी जो मेरा ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इंटरव्यू है अब इस इंटरव्यू के टाइम पर लास्ट इंटरव्यू में मेरे वन सेवेंटी थ्री आए थे सो नॉट वेरी बैड नॉट वेरी गुड तो इस बार इस वाले इंटरव्यू में इतना नहीं था कि बहुत ही अच्छे आएंगे बट मेरे को ये था यार डिसेंट ले आऊँ वन सेवेंटी थ्री से थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ वन एट्टी प्लस ले हूँ बट दो तीन चीज़ें हुई ऐसी अब पहले मैं बता दूं कि इस इंटरव्यू में मेरे वन नाइन्टी फाइव आए हैं विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर अब वो क्यों आए अगर अब मैं देखूँ दो तीन चीज़ें रही पहली चीज़ कि आई आई स्टार्टड रीडिंग लाइक क्रेज़ी मैंने अपने फ्रेंड नवीन के साथ एक रीडिंग कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया था इस ईयर जिसकी वजह से आई रेड लाइक क्रेजी आई एम आई एम ऑलमोस्ट ऑन माई फिफ्टी फिफ्टी फर्स्ट बुक नाउ और मुझे पता था आई विल यूज़ दिस इन माई इंटरव्यू सो नॉट जस्ट की नंबर्स बट वॉट एम रीडिंग द कंटेंट आई एम रीडिंग आई वॉज रीडिंग नाइस बुक्स सो आई न्यू कि वो कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट होगी इंटरव्यू में तो वो अच्छी रहेगी तो ये पहली चीज़ रीडिंग हैबिट सेकेंड द सर्कल आई वॉज इंटू इन दिस इन दिज फ्यू मंथ्स इस इंटरव्यू से पहले वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था माय फ्रेंड यूज टू टेल मी कि अगर तेरे नहीं आएंगे वन नाइन्टी प्लस तो किसके आएंगे मतलब नोबडी एल्स डिजर्व्स इट मोर देन यू सो so, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आई यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू में मेरे पास इंटरनल थोड़ी कम थी तो एक्सटर्नल से कॉम्पनसेट हो गया तो एक वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस यू इंटरव्यू रूम में घुसी थी एंड यहाँ पे अब तीसरा फैक्टर जो आया अच्छे मार्क्स का और जो यू जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लक फैक्टर इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछे गए मेरा ऑप्शनल फिलोसफ़ी है जिस पे एजेड पीपल लाइक टू टॉक अ लॉट एंड आई लव टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट तो आज से ज़्यादा इंटरव्यू मेरा फिलासफी पोएट्री और बुक्स पे हुआ है विच विच आर माई थ्री एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ सो अब ये देखिए ये प्योरली लक है ये ना मेरे हाथ में था ना मैं कुछ कर सकती थी इसमें ये प्योरली लक है अब जब जो एस्पिरेंट नया नया आता है ना यहाँ पे तो वो इस मैंटेलिटी के साथ आता है कि लक वक कुछ नहीं होता है मैं पढ़ाई करूँगा मेरा हो जाएगा तुम पढ़ाई कर रहे हो जितने लोगों ने इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो सब सेम मेहनत करके आए हैं बट क्या डिफरेंस है उस इंसान में जिसकी टॉप की रैंक आ गई है और उसका जिसका फाइनल हिस्से एक दो नंबर से रह गया है कोई डिफरेंस नहीं है थोड़ा सा लक फैक्टर है एक आधे पेपर में इधर उधर उन्नीस बीस का फर्क तो यहाँ से भी देखिए वो एरोगेंस कम हो जानी चाहिए कि कोई डिफरेंस नहीं है थोड़ा सा लक फैक्टर रहा है और यहीं से उम्मीद भी आनी चाहिए Uh, छः अटैम्प्ट मिलते हैं छः में से एक बार तो चलेगा ना लक ऐसा तो है नहीं कि छः के छः में आपकी किस्मत ख़राब रहेगी और अब स्पीकिंग ऑफ छः अटैम्प्ट अब अगर मेरे से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे आऊँ यूपीएससी में आऊँ या नहीं आऊँ इज इट वर्थ इट सो देखिए कुछ साल पहले कि आरुषि बोलती कि अरे बिल्कुल होगा बिल्कुल आओ एक बारी में होएगा ऐसे कैसे नहीं होगा बट अब अगर मैं आपको एक प्रैगमेटिक एडवाइस दूँ अगर आप मेंटली तैयार हो कि छः अटैम्प्ट लग सकते हैं और तब भी छोटा सा चांस है कि नहीं होगा छः के छह में नहीं होएगा अगर आप इसके लिए तैयार हो तो ही आओ सो दिस इज वॉट आई एल एडवाइस कि सोच के आना सब कुछ नेगेटिव इवेंचुअलिटी भी सोच के आना सो कमिंग बैक टू इंटरव्यू सो ये दो तो तीन पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से आई स्कोर ग्रेट सो so, अब देखिए आप यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं कि ये स्टेज पे खड़ी है मैम और वाओ शी हैज अचीव्ड एवरीथिंग शी हैज हर लाइफ सॉर्टेड सॉर्टेड आउट एवरीथिंग इज ऑसम वर्थि एज अब भी नहीं है आई स्टिल हैव अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड प्लेसेस आई वॉन्ट टू बी बट क्या उसकी वजह से जो पा लिया है उसको एन्जॉय ना करें सो so आप अपनी जर्नी में अब जैसे आज के आपके टेस्ट में सौ से ऊपर आएंगे ना उस पर भी थोड़ा सा खुश हो लेना उसमें कोई गिल्ट नहीं है सो आई थिंक इसके साथ आई लाइक टू एंड सो जैसे मैंने कोर्ट से शुरू करा था सो so एक बार फिर से वहीं पे। आज भले ही बहुत मुश्किल है कल और मुश्किल होगा बट ट्रस्ट मी परसों जो होगा जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी होगी या जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने रिजल्ट से सब वर्थ इट होगा देर इज़ अ मैसेज फ्रॉम जोश टॉक्स टीम विच माइट हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन सो डू वॉच इट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड एज आई मैंशन इन माई वीडियो आई जस्ट री आइट इट आई एम अवेलेबल फॉर जेन्यून क्वेरीज यू कैन टेक्सट मी एनी वेयर यू कैन टेक्सट अदर टॉपर्स एनी वेयर ऑल द वेरी बेस्ट इट विल हैपन थैंक यू

वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृतकाल से वी कैन ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसज इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं